सरगुजा के मैनपाट में मेगा धमाल से भरा मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने मैनपाट को पर्यटन सेंटर के तौर पर विकसित करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही मैनपाट के नर्मदापुर में झंडा पार्क बनाने की बड़ी घोषणा की और इसके लिए 1 करोड़ की राशि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से देने का ऐलान किया। सीएम साय ने कहा कि हर साल मैनपाट महोत्सव के आयोजन के लिए 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाली महतारी वंदन योजना को लेकर कहा कि प्रदेश भर की महिला शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महतारी वंदन योजना के तहत राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है। सभी को पहली किस्त की राशि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन दी जाएगी ताकि हमारी माताओं और बहनों को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। हम छत्तीसगढ़ की जनता को रामलला दर्शन योजना के तहत राम जन्मभूमि के दर्शन करवा रहे हैं। इसके साथ ही चरण पादुका योजना को फिर से शुरू किया गया है। हम मैनपाट को पर्यटन की दिशा में और व्यवस्थित करने का काम करेंगे ताकि लोग सनातन और बौद्ध धर्म दोनों के समस्त स्थल में सुकून और शांति महसूस कर सके। और आप सब लोगों को बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि आप लोगों के द्वारा बनाई इस सरकार को अभी मुश्किल से 70-72 दिन हुए हैं और इतने कम दिनों में हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में अपना कदम बढ़ा चुकी है। आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि पहले ही कैबिनेट में हम लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय ले लिए हैं और बहुत जल्दी हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल कांग्रेस के समय में जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे उनका पक्का का मकान मिलना शुरू हो जाएगा। 2 साल का बकाया बोनस की राशि 12 लाख से ज्यादा किसानों का उनके खातों में 3716 करोड़ रुपया भेजने का काम किए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी हुई है और इस साल बम्फर धान की खरीदी हुई है। 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हुई है। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात है, जो अंतर की राशि है 917 रुपये प्रति क्विंटल, वो भी एकमुश्त किसानों के खाते में बहुत जल्दी भेजने वाले हैं, उसकी व्यवस्था हो चुकी है। और जो महतारी वंदन योजना की बात है, 70 लाख से ज्यादा फार्म भरा चुका है और अगले महीने से हमारी सभी विवाहित माता बहनों के खाते में 12,000 रुपया प्रति साल के हिसाब से पैसा भी आना उनका शुरू हो जाएगा। बाकी जो भी मोदी की गारंटी में वादा है, तेंदुपत्ता का कीमत 4,000 रुपया से बढ़ा के 5,500, इसका भी निर्णय हम लोग कैबिनेट में ले लिए हैं। इस सीजन में 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी होगी और 15 दिन की खरीदी होगी। और जो चरण पादुका योजना है, संग्राहक परिवार के बच्चों को स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, ये सब जो पुराने हमारे 15 साल के शासन में जो व्यवस्था था वो सारा व्यवस्था फिर से शुरू करने वाले हैं। 500 रुपया में गैस का सिलेंडर और भूमिहीन लोगों को सहायता के रूप में 10,000 साल का, ये सब सारा काम आने वाले समय में हमारी सरकार करने वाली है। और आप सब लोगों को 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम विराजित हुए हैं, इसके भी बधाई देना चाहेंगे। ये छत्तीसगढ़ कौशल्या माता की नगरी है और इस नाते भगवान राम हम लोगों के भांजा हैं। 500 साल से भी ज्यादा संघर्षों के बाद भगवान राम हमारे छत्तीसगढ़ के भांजा अयोध्या में विराजमान हुए हैं। तो हमारी सरकार रामलला दर्शन योजना भी शुरू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों को सरकारी खर्चे में अयोध्या ले जाया जाएगा और भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। तो ये सब मोदी की गारंटी में जो
वादा है पार्टी का, उस सबको पूरा करने वाले हैं। और ज्यादा नहीं कहते हुए यहाँ पर हमारे सीतापुर के पहले विधायक आज पहली बार कुछ मांग रखे हैं यहाँ पर, और चूंकि आप लोग आजादी के बाद पहली बार यहाँ पर जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताए हैं, तो उनकी मांग का सम्मान करना पड़ेगा। और हमारे विधायक जी और इस क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये नर्मदापुर में एक झंडा पार्क का निर्माण किया जाए, कहे कि आगे टूरिस्ट के क्षेत्र में इसका और विकास करेंगे तो दुनिया भर के लोग आएंगे। तो ये नर्मदापुर में झंडा पार्क का निर्माण, और विधायक जी का कहना है कि 415 फीट ऊंचा तिरंगा यहाँ पर लहराएगा, तो इसके लिए मैं झंडा पार्क के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूँ। और ये जो मैनपाट महोत्सव है ये हर साल मनाते हैं और इसमें भी काफी खर्च आता है, हालांकि सरकार से सहयोग मिलता है, तो मैं भी अपने तरफ से इस महोत्सव के सहयोगतार्थ 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। बाकी